नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है वी फॉर विनोवेटिव में। आज बहुत ही अलग तरह का टॉपिक है और ये कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में वृद्धि ज़रूर करेगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेंटिंग्स के बारे में, कलाकृतियों के बारे में। दोस्तों, ये सवाल बहुतेरे लोगों के मन में उठता है कि कुछ पेंटिंग्स करोड़ों अरबों रुपए में कैसे बिक जाती हैं। जैसे कि हाल ही में सौदबी नीलामी घर की नीलामी में सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार तैयब मेहता की एक पेंटिंग 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा में बिकी है। आखिर ऐसा क्या होता है कि कोई पेंटिंग्स इतनी मूल्यवान बन जाती है? हम आपको बता दें कि सभी कलाओं में चित्रकला और मूर्ति शिल्प ही एक ऐसी कलाएँ हैं जिनकी कोई कृति उसे खरीदने वालों की संपत्ति बनती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई इमारत, खेत, बाग किसी की संपत्ति होते हैं। आपको बता दें कि संगीत, नृत्य, नाटक की कोई भी प्रस्तुति आपकी संपत्ति नहीं बनती। अगर आपने टिकट या पास लेकर उसे देखा है तो बहुत सारे लोगों ने उसे देखा है, केवल आपने ही नहीं, और उसकी स्मृतियां लेकर ही आप घर लौटते हैं, उसे लेकर बिल्कुल नहीं। और अगर उसकी कोई रिकॉर्डिंग, वीडियो, फिल्म, एल्बम, कैसेट आपके पास है तो वैसे ही कोई चीज़ बहुत सारे लोगों के पास भी हो सकती है। यही हाल पुस्तकों का भी है। अगर कोई किताब आपके पास है तो वह सैकड़ों हजारों लोगों के पास भी हो सकती है। हाँ, कालांतर में कोई पुस्तक या उसकी प्रति बहुत महंगी हो सकती है, जो कि बहुत पुरानी है, हजारों साल पुरानी, वो एक बार महंगी हो सकती है, वो दुर्लभ हो तब वो महंगी हो सकती है। जैसे कि कोई फिल्म संगीत के किसी पुराने रिकॉर्ड की भी कीमत हो जाती है, पर फिर भी इसकी कीमतें उतनी नहीं होती जितने कि पिकासो, ब्रॉक, रेम्ब्रा या फिर वॉन गॉग की कृति यानी कि पेंटिंग्स की होती है। या फिर अगर हमारे ही इंडियंस की बात करें तो अमृता शेरगिल, हुसैन, रामकुमार, रजा, सूजा, तैयब मेहता, गायतोंडे, स्वामीनाथन, इन लोगों की पेंटिंग्स की कीमत करोड़ों में होती है। हम आपको बता दें, इसका एक कारण तो यह है कि जो पेंटिंग किसी कलाकार ने एक बार बना दी है, ठीक वैसी फिर नहीं बनेगी, और जब वह कलाकार इस दुनिया में नहीं रहेगा तो उस जैसी कृति की भी संभावना समाप्त हो जाती है। पेंटिंग्स की कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है। मैं आपको बता दूं कि एक बार दिल्ली में कुछ गैलरी में कुछ दिनों पहले एक महिला मिली थी। उन्होंने बताया कि मकबूल फिदा हुसैन की एक पेंटिंग उन्होंने 1200 रुपये में खरीदी थी और बहुत सालों बाद उसे बेचने पर उन्हें 3 करोड़ रुपए मिले थे, जिससे उन्होंने पॉश इलाके में एक बहुत अच्छा घर खरीदा और अब वो उसी में रहती हैं। दोस्तों, यह सवाल भी लोगों के मन में उठता है कि आखिर ये कीमतें तय कैसी होती हैं। जाहिर सी बात है, लोग सोचते ज़रूर होंगे, आप भी सोचते होंगे कि आखिर ये पेंटिंग्स को 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इसे डिसाइड कौन करता है? जाहिर है कि सबसे पहले तो उसे कला समाज ही तय करता है कि अमुक कलाकार अच्छा है या फिर बहुत अच्छा है, उसके जैसा कोई और दूसरा नहीं है। और यह कला समाज आखिर बनता किससे है? जाहिर है, स्वयं कलाकारों से, कला समीक्षकों से, गैलरियों से, संग्रहालयों से, कला संग्रहालयों, पार्कियों, नीलामी घरों, इन सब से ये कला समाज बनता है। किसी एक के कहने पर तो कोई मान नहीं लेगा कि अमुक चीज़ बड़ी कीमती है। इस मूल्यांकन में कभी कभी बहुत देर भी हो जाती है, जैसा कि वॉन गॉग के मामले में हुआ। उनके भाई थियो मानते थे कि वॉन गॉग एक बहुत बड़ा कलाकार है, पर तब का कला समाज बात बिल्कुल नहीं मानता था। धीरे धीरे उनमें भूल सुधार हुआ और अब वॉन गॉग की चित्रकृति सनफ्लावर दुनिया की महंगी पेंटिंग्स में से एक है। तो समाज की, कला समाज की एक छलनी होती है जिसमें कोई कलाकार और उसकी पेंटिंग्स छनती रहती हैं, और छनने की इस प्रोसेस में ही कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। आपको बता दें कि किसी पेंटिंग्स का बहुत महंगा होना, असाधारण होना, उसका पुराना होना और उसका लगातार गुणगान होना भी उसकी कीमतों में बढ़ोतरी करते हैं। तैयब मेहता की जो पेंटिंग अभी करोड़ों में बिकी है, वह पहले लाखों में खरीदी गई थी। हो सकता है कि अब जिसके पास गई है वह उसे कुछ सालों के बाद और भी बड़ी कीमत में बेचने का अवसर उसको मिल जाए। हाँ, यहाँ पैसा उससे ही मिलता है जिसके पास वो पेंटिंग्स होती है। जिसने बनाई है उसे तो सिर्फ एक बार ही, उस पेंटिंग्स को बेचने के बाद सिर्फ उसको एक बार ही पैसा मिलता है और उसके बाद उसे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं मिलता है। कला बाज़ार इसलिए पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाला बाज़ार भी माना जाता है, मुनाफे की उम्मीद में। और ऐसे लोग ऐसे कलाकारों की खोज में रहते हैं जो कि अभी नए हैं, अभी युवा हैं, लेकिन भविष्य में उनसे उम्मीद
की जा सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने पेंटिंग्स के बारे में सारी बातें जानी कि आखिर कैसे किसी पेंटिंग्स की कीमत निर्धारित होती है और क्यों आखिर पेंटिंग्स लाखों करोड़ों और अरबों रुपए में बिकती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा कोई मित्र जो कि इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो पेंटर है या फिर पेंटर बनना चाहता है या फिर उसने कभी इस तरह की पेंटिंग एग्जीबिशन में भाग लिया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।